आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक राघव चड्ढा ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से हमला करवा रही है। राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जब से आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांग को आवाज दी है, उनके आंदोलन को समर्थन दिया है, तब से ही लगातार आप नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें धमकियां दी जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जब से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के 9 स्टेडियमों को जेल में बदलने से इनकार किया है, तब से भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सेवादार की भूमिका में किसानों के लिए लंगर से कंबल, पानी से लेकर शौचालय और यहाँ तक कि मुफ्त वाईफाई का इंतजाम कराया है। इससे भाजपा की हमसे नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। फिर जब हमने केंद्र के कृषि कानूनों को विधानसभा में फाड़ दिया, तब से हमारे नेताओं पर हमले शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला अटैक पार्टी के मुखिया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के घर पे हुआ। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनके घर में भाजपा के गुंडे दिन दहाड़े घुस जाते हैं। उसके बाद मेरे कार्यालय पर दिल्ली जल बोर्ड के हेडक्वार्टर्स, जो झंडेवालान में स्थित है, जहां से पूरी दिल्ली का पानी का संचालन होता है, वहां आकर मेरा सारा ऑफिस तोड़ दिया। फिर दक्षिणी दिल्ली के हमारे एक कार्यकर्ता को भाजपा के गुंडों ने मार मार के आज से 4 दिन पहले लहू लहान कर दिया। और कल की वारदात है हमारी महिला विधायक कालका जी से, आतिशी जी के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी की कुछ गुंडे आकर खड़े हो गए। लगातार इस प्रकार की वारदात आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।